भारत दुनिया में हींग की खपत करने वाला सबसे बड़ा देश है, लेकिन सारा हींग बाहर से आयात करना पड़ता है। ईरान, टर्की, अफगानिस्तान और सीरिया हींग के सबसे बड़े उत्पादक हैं, और भारत को हर साल इसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हींग की खेती अब हिमाचल प्रदेश में भी होगी। इसके साथ हिमाचल हींग की खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती की शुरुआत करेंगे वाणिज्यिक कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम शर्मा। हींग का बीज डॉक्टर विक्रम के पास पहुंच गया है। हिमाचल की लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हींग की खेती की संभावनाएं पाई गई हैं। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हींग की जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं। हींग का बीज जो मैं लेके आया हूँ, पिछले बरस मेरे पास पहुंच गया था पहली खेप, और ये भारत की धरती पे पहली बार पहुंचा है आके। इससे पहले भारत वर्ष में कहीं भी हींग उगाया नहीं गया है, ना ही बीज कहीं से प्रोक्योर हो पाया है। तो अभी तक भारत की धरती पे कहीं भी इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाई है। कश्मीर में, हिमाचल के अपर एरिया जैसे हमारा किन्नौर है, और उत्तराखंड के कुछ एक क्षेत्रों में और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जंगली प्रजातियां जो हैं वो हमें मिली हैं। लंबे समय से शोध कर रहे डॉक्टर विक्रम को अब सरकार के सहयोग की जरूरत है। कि मैं पिछले एक बरस से इसके पीछे लगा हूँ कि सरकार या हमारे जो शोध संस्थान है इसमें आगे आएं, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता। ऊपरी क्षेत्र की बात है, मेरी अपनी जमीन तो वहाँ पे है नहीं, तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो है। और देश की बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, देश के कई सौ करोड़ रुपये का हींग हम इम्पोर्ट करते हैं हर साल, और हमारा जो विदेशी मुद्रा जो है उस पर व्यर्थ होती है। तो दूसरी बात इसके साथ कि हमारे युवाओं को इसमें बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज़ है, दवाइयों में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं। उसके बाद क्यूलिनरी यूजेस जो हमारे डोमेस्टिक सब्जियों में, दालों में इसका तड़का हमेशा आप लोग प्रयोग करते हैं। डॉक्टर विक्रम कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं। सरकार और कृषि से जुड़े संस्थान की मदद मिलेगी तो वो दिन दूर नहीं जब देश को हजारों करोड़ की बचत होगी, किसानों को आमदनी का नया जरिया मिलेगा और रोजगार भी। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज 18, हिमाचल।